नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा भिवंडी पूर्व विधानसभा निर्णुक प्रमुख संतोष शेट्टी जी के भिवंडी पूर्व विधानसभा जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन कामतगढ़ भागनगर स्थित विधायक महेश चौगले के हाथों रिबन काट कर किया गया। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर जिला अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल पाटिल, सुभाष माने, प्रवीण पाटिल, महेंद्र दादा गायकवाड़, नीलेश चौधरी, हनुमान चौधरी, विठोबा नायक व महायुति के कई पदाधिकारी, महिला पुरुष कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। तो वहीं पर उपस्थित मानवरों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा, देखते हैं इस खबर में। सगळ्यात आधी मी आमचे भिवंडी पूर्व विधानसभा निवडणूक प्रमुख संतोष अण्णा शेट्टी यांचं आज खूप खूप अभिनंदन करतो की त्यांनी आज इथे कार्यालयाचं उद्घाटन केलेलं आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या वरिष्ठांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक विधानसभेमध्ये आम्हाला निवडणूक कार्यालय सुरुवात करण्याची जी काही आम्हाला कळवण्यात आलेलं त्यानुसार आज आम्ही पूर्व विधानसभामध्ये आज या कार्यालयाचं ओपनिंग इथे झालेलं आहे। आज या ओपनिंगमध्ये आमचे आमदार महेशजी चौगुले, आमचे सुभाष माने साहेब, त्याचप्रमाणे प्रवीण पाटील साहेब, नीलेश चौधरी साहेब, त्याचप्रमाणे समाजाचे अध्यक्ष आमारे महेंद्र गायकवाड साहेब, पद्मशाली समाजाचे अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे नगरसेवक हनुमान चौधरी, आमचे बिल्ला नाईक आणि ओसवाल समाजाचे सर्व आज इथे वरिष्ठ इकडे आलेले आहेत। आज खूप अतिशय उत्साहाचं वातावरण आहे, कारण काही या पूर्ण विधानसभेमध्ये ज्या प्रकारे संतोष अण्णाजींनी जे काही कार्य केलेले आजपर्यंत त्याची आपण जर बघितलं तर एवढं भव्य इकडे सगळे लोक जे हजर झालेले आहेत, आज या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत, एक चांगला उत्साह हा एक पॉझिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर इकडे आपण बघायला मिळते। निश्चितपणे महायुतीचं जे उमेदवार जे इकडे आहेत, जे आता संतोष अण्णांजीचं आपण बघितलं, म्हणून मी म्हटलं की त्यांचं कार्य असं आहे की खूप स्ट्रॉंग एक कंटेंडर आहेत ते उमेदवारी करता, आणि त्यांच्या हाताने आजपर्यंत जे काही काम झालेलं आहे ते पॉझिटिव्हच झालेलं आहे, आणि याच्या पुढे देखील असं चांगलं काम भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून असो किंवा वैयक्तिक देखील जे काय काम करतायत ते या पूर्ण विधानसभा मतदारसंघाकरता जे काम होणार आहे ते निश्चितपणे खूप चांगलं होणार आहे, आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये देखील चांगल्या प्रकारे यश त्यांना मिळेल अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझी एक इच्छा व्यक्त करतो। सबसे पहले मैं संतोष शेट्टी जी को नए कार्यालय की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारा पक्ष है, जो युति है, युति के सब लोग, जैसे एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजित पवार है, तो जैसे कि आटोले साहब है, तो ये सब लोग मिलके हमारी जो युति है, हमारी युति एकता एक कायम है। हम सब एक हो उठ के आज पूरा काम आने वाले विधानसभा में कैसा काम हो पूरब में उसकी ये तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अभी इधर के परिसर में भी अच्छा काम हो रहा था, लेकिन बहुत सारा स्लम एरिया है, तो काम उधर और ज़्यादा अच्छा हो इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले अभी कई यानी थोड़े दिन में जो इलेक्शन लगेगा उसके लिए जितने जन हमारे पार्टी की जो है ऊपर से जो आदेश आएगा उसको मान्य करके हम आगे जाएंगे, और इस बार पूरा से भी हमारी सीट होगी ऐसा मुझे विश्वास है, और यही उसकी तैयारी है। तो ये तैयारी में आज अन्ना ने तैयारी की, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और उनका जो सपना है वो पूरा हो ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ऑफिस खोलने का कारण ही वही है, आपको मालूम है कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छा सहजा लग सकती है, इलेक्शन लग सकता है, तारीख आ सकती है, तो उसकी जो तैयारी हमारी महायुति जो है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हमारे आरबीआई, सभी आपने देखा होगा सभी लोग यहाँ पे हम लोग मौजूद है, और भी हमारे मित्र पक्ष है, हमारे समाज के अध्यक्ष है, पत्रकार हमारे वो बुजुर्ग है, तो हमारी ये तैयारी शुरू हो गई कि हमने पश्चिम में तो हमारे आमदार है, लेकिन आगे चल के हम लोग सोचते हैं कि पूरब और पश्चिम दोनों तरफ हमारे आमदार अगर रहेंगे तो भिवंडी का विकास करने के लिए हमको अच्छा रहेगा। सुशेला बीजेपी और हमारे छिंदेगढ़ के अध्यक्ष है, सब होते हैं यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, लेकिन अब ऐसा होना चाहिए कि अपन अगर संतोष अण्णा को जितना चाहते हैं अपन पूर्व से
तो सभी कार्यकर्ता ने सपाटी लोगों ने ऐसी तैयारी करो कि संतोष आने का कपड़ी पटने वाला चाहिए। ये तुम सब लोगों ने ध्यान में रखो। हम आरपीआई के लोगों ना युति का धर्म पालते हैं और पालते रहेंगे पचहत्तर करोड़ में। हमारा महायुति का जो संतोष आना का ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, आगामी इलेक्शन में हम गठबंधन के साथ में लड़ने वाले हैं और संतोष शेट्टी साहब को टिकट मिले या माने साहब को मिले या आजम दादा को किसी को मिले कोई भी मिले, लेकिन अन्ना को अगर टिकट मिल गया तो तन मन धन से हम काम करेंगे और अन्ना को बहुमत वोटों से लाएंगे। पश्चिम में आमदार है और रहेंगे। वैसे ही आपको विकास के लिए हमारे पार्टी गठबंधन के साथ में आपको चुन के लाना है और यही हमारी इच्छा है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में एक नियोजन दिया गया है। भिवंडी में हमारे अध्यक्ष हर्षल पाटिल इनके हम लोग नेतृत्व में आमदार मैजी छोबले उनके पश्चिम उन्होंने ऐसे काम कर के वार रूम खोल रहे, ऑफिस खोल रहे और हर पार्टी को जो भी हमारे साथ में युति है सबको लेके चलने का ऐसा आदेश है। तो उस हिसाब से ये जो भाग है बहुत बड़ा मतदार भाग है, 30,000 वोट बैंक है। वो हिसाब से यहाँ भी आज जो उसका विधानसभा में जो ऑफिस को उद्घाटन हुआ इससे सब कार्य होगा और यहाँ पे जैसे विश्वास मानी साहब है हमारे सिंडिकेट के अध्यक्ष है, हमारे अटल साहब के अध्यक्ष है, अजीत पवार के अध्यक्ष हमारे प्रवीण जी है, जायकवाड़ साहब है, यहाँ के जो स्थानिक सबसे स्ट्रांग नगर सेवक से नीलेश चौधरी हमारे हनुमान चौधरी है, बिल्ला नायक है, सब समाज के अध्यक्ष है। तो मतलब हर समाज को लेने का और पक्ष एक करके हमें आगे जाना है और पूरे महाराष्ट्र में 288 का जो हमारा लक्ष्य रखा है जिसमें 170 का एक लक्ष्य रखा है तीनों पार्टी ने, वो लक्ष्य पूरा करने का एक नियोजन पूरे महाराष्ट्र में हम युति में कर रहे हैं। इस कार्यालय के नागरिकों को, इस कार्यालय के 30,000 नागरिकों को जो भी फायदा हो या तो इलेक्शन में कैसा वोट डालना है, किसका नाम नहीं चढ़ा, ऐसे बहुत से काम दिए गए हमको। तू लाड़की बहना है अभी जैसे क्या इस पट्टे में हम लोग आयुष्मान कार्ड का कम से कम 600 कार्ड बन के पड़ा है। तो ये मेरे ऑफिस में आया है क्या दामन नाके में आया है कि पार्टी में लेट पड़ता है, तो पूरा 675 कार्ड यहाँ से डेली देना चालू करेंगे और पूरे 30,000 लोग को जितना सेवा दे सके उतना सेवा हम लोग ना देखा जाए तो भिवंडी शहर में कई सारे जो है स्लम एरियाज है, तो आज आपने यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया, तो आने वाले दिनों में आप कहाँ कर रहे हैं? अभी यहाँ भी हो गया, शांति में होने वाला, नई बस्ती में चालू कर रहे, परमा चालू, ऐसे 5 ऑफिस का नियोजन पूरे विधानसभा में किया है और ज्यादा स्लम एरिया में किया है। और क्योंकि स्लम एरिया में 6,500 आयुष्मान कार्ड तो बनाया, तो वो बनने के बाद जो बांटना काम हम हर ऑफिस से करेंगे। हर जगह दिए 675 यहाँ पे, पदमा में 1,000 है, नई बस्ती में 800-900 है, तो हर जगह बैठ के कार्य हो, जो भी जो काम किए एक साल उस सब कार्य का, जैसे 65 साल का हमारे जो देश नगर उनका फॉर्म आके पड़ा है और विधवा पेंशन का पड़ा है, आके कुछ राशन कार्ड आके पड़े है, तो सब जो चीज है इस सब ऑफिस से हम लोग नहीं जाते ताकि जनता को पब्लिक को यहाँ जाना पड़े। आज का दिन एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए संतोष शेट्टी भिवंडी पूर्व विधानसभा से आगामी विधानसभा का चुनावी चेहरा है, लेकिन इस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि महायुति के सभी यहाँ पर जिला अध्यक्ष बैठे हुए, अगर पार्टी का डिसीजन आता है भाजपा से, अगर पार्टी ने कुछ अलग निर्णय किया तो आपकी सहमति क्या है? पार्टी वही निर्णय लेगी क्या कौन किसको चुन के आ सकता है उसके ऊपर काम करेगी, बाकी तुम देखो पार्टी में कितने झगड़े चल रहे हैं, तुम कोई पार्टी उठा के देखो सब जगह झगड़े चल रहे हैं, आपस की लुंगी खींच रहे, या हम लोग जो भी काम करते एक जुन न करते। अभी कुछ दिन पहले ही हमने लोकसभा इलेक्शन में जब मैं अटल पाटिल जी और आमदार जब प्रचार जाते थे हम लोग, तो कुछ पावरफुल लोगों के लोग बहुत से 2 दिन पावर का बिल को आ रहा है सब अड़चन दिए थे बताए थे हमको, तो उसके लिए हम लोग ने चंद्र दादा पाटिल को भेंट में लाए थे और उन्होंने जो वादा किया था वादे का हम लोग ने फॉलोअप किया तीनों मिलके, उसका असर आप देखने मिला आपको, जिसने माने साहब भी थे, हमारे गायकवाड़ साहब भी थे, अभी पहले अभी भी आ गए, इस सब हम लोग ने टीम बल के काम किया, तो आज पूरे भिवंडी के जनता को तो कोई भी जात का हो आज इतना बड़ा फायदा 22 के माध्यम से हुआ है, ये कारण हम लोग एकजुट है।
आप लोग कुछ भी माइक पूछाते रहते हो, लेकिन हम लोग रात में बैठ के हमारा एक ही काम करते हैं, कैसे हमें यूएनडीपी ने इतने महाराष्ट्र में ले चुके हैं। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।